नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को SKC टाइम्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप 10 प्रश्न जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की और वो भी पहला चैप्टर की। इससे पहले आपको पाचन तंत्र, विटामिन से रिलेटेड सारी वीडियो, कंकाल तंत्र बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न होंगे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होंगे जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पहले से, तो यहां से आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप डी, NTPC या SSC MTS जो भी हैं उन एग्ज़ामों को देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं तो ज़रूर इन्हें एक बार देख लें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हम लोग क्वेश्चंस की ओर और बात करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहते हैं दोस्तों कि स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा आप कॉमेंट करके। उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी देखते ही कॉमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हिमल तंत्र। क्या हो जाएगा, स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसके कहा जाता है हिमल तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जान लीजिए दोस्तों, स्टार फिश में जो परिसंचरण तंत्र तीन स्थानों पर संपन्न होता है, पेरी विसेरल कोइलम, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जलवाही तंत्र होता है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, वह होता है हिमल तंत्र। तो इस प्रकार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर जो हो जाएगा किसके साथ चला जाएगा, तीन के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो की, ये क्या हो गया, अच्छा ये नेटवर्क इशू हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी और नष्ट प्राय यानी कि बर्बाद होने वाला, नष्ट हो जो विनाश होने वाला है, तो उसका वो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है कहाँ नष्ट हो जाती है, कहाँ पे जाके नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हो गया दोस्तों, प्लीहा में जाके क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ये तो सबको पता होगा, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा चुका है और ये जो है 2013 में भी क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है लाल ग्रस्त, जब क्षतिग्रस्त या पुरानी हो जाती है तो कहाँ जाके नष्ट होती है, प्लीहा में होती है, और उत्पन्न कहाँ होती है, तो अस्थि मज्जा में होती है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, देख लीजिए अस्थि मज्जा भी है प्लीहा भी है, तो जब निर्माण होती है, उत्पन्न होती है तो अस्थि मज्जा में होती है, और जब नष्ट होती है तो कहाँ होती है, प्लीहा में होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से याद रखना है और देखना है, समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे बड़ा श्वेत यानी कि सफ़ेद उजला रुधिराणु कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा किसके साथ जाएगा, मोनोसाइट होता है यानी कि एक केंद्रकाणु जो होता है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से ये जान लीजिए कि मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु और तथा इसका व्यास जो होता है पता है कितना होता है, इसका जो व्यास होता है वह 20 μm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समय कम है इसलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस पूरा करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की। तो क्वेश्चन नंबर चार कहता है दोस्तों, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह तीन के साथ चला जाएगा यानी कि लिम्फोसाइट के साथ मेरा आंसर चला जाएगा। तो आप यहां से ये जान लीजिए दोस्तों, लिम्फोसाइट जो होता है कणिका विहीन श्वेत रुधिर काणु होता है, ठीक है। यह श्वेत जो होता है लगभग कुल संख्या का 20% तथा 30% होती है। यह दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट, जिसमें बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है और HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच की। तो क्वेश्चन नंबर पाँच क्या कहते हैं दोस्तों कि एड्स के विषाणु
किसे नष्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर सकते हैं। देखिए, अब इसकी चर्चा हुई थी और जस्ट ये आगे एचआईवी वायरस की भी चर्चा किया था ना, तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं अभी बता सकते हैं आप आंसर्स, जल्दी से जल्दी बताइए। तो अभी जस्ट बोले थे, क्या बोले थे, लिम्फोसाइट्स बोले थे ना, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, नेटवर्क इशू बार बार परेशानी कर रही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, जल्दी से जल्दी आंसर बताना है आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा, विसरण के कारण ऐसा होता है। और ये 2012 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो विसरण की प्रक्रिया श्वसन के दौरान गैसें क्या करती है, रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे बाहर की ओर छोड़ देती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। अच्छा, एक मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये। चलिए, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो यहाँ से ये जान लीजिए, प्राकृतिक कोलाइड जो होती है दोस्तों वह कौन सा होती है, रक्त होती है। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइड क्या होती है, रक्त होती है। संपूर्ण रक्त प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन प्राकृतिक कोलाइड के उदाहरण हैं। प्लाज्मा को भी आप बोल सकते हैं, एल्ब्यूमिन को भी बोल सकते हैं, और संपूर्ण रक्त को भी प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं दोस्तों, कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जी दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है इसमें, तो लोहे की मात्रा जो होती है भरपूर मात्रा में रक्त में पाई जाती है। ठीक है, यहां से ये जान लीजिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसमें लोहा पाया जाता है, ये तो सबको पता है। यह टेट्रामर प्रोटीन होता है। यह कैसा प्रोटीन होता है, यह जो हीमोग्लोबिन होता है कैसा प्रोटीन होता है, टेट्रामर प्रोटीन होता है, जिसमें चार श्रृंखलाएं अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है, और अल्फा में 141 एमिनो अम्ल तथा बीटा में 146 एमिनो अम्ल होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सीहीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ देता है, और ऑक्सीजन शरीर के हिस्से से क्या करता है, पहुंचाती है और CO2 वापस आती है। यानी कि यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया O2 और CO2 से रिलेटेड सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन के लाने वाला प्रोटीन कौन सा है। जी दोस्तों, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन कौन सा है, तो वह जो हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन ही मेरे साथ चलेगा। इस आंसर के क्वेश्चंस के साथ हीमोग्लोबिन ही जाएगा। तो पाना दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी को जामा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, इसकी डिफिनेशन हम ऊपर में बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वह कितनी होती है, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ से आप ये जान लीजिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन की अधिकतम, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो होता है सबसे अधिकतम मात्रा में बंधुता होती है हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका डिफिनेशन आप जान लीजिए थोड़ा, कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है, जो कि ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक है। ऑक्सीजन से कितना अधिक है, ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, और इसका और भी पार्ट आएगा, 2-3 पार्ट, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। जो भी क्वेश्चन है सारा पूछा गया है। तो आप उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अभी तक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद।